शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर लगातार संकटों का पहाड़ टूट रहा है। पहले बागी विधायक गए, फिर सांसदों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया और अब शिवसेना पर अधिकार को लेकर जंग भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर याचिका भी दायर की गई। खैर, इन सबके बीच आरपीआई के रामदास आठवले, जो कि अपने बयानों से मीडिया में काफी चर्चित रहते हैं, उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि संजय राउत ने शिवसेना को तोड़ा है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की सलाह पर कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया था। आपको बता दें, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा था कि अगर मनसे को मंत्री पद मिलता है तो वो मनसे का विरोध करेंगे, क्योंकि मनसे का सिर्फ एक विधायक है जो कि सरकार बनाने में कोई सहयोग नहीं कर। तो वहीं रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में अपनी पार्टी के लिए एक मंत्री पद की भी मांग की है। उनके इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।